आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शाही मसाला चाट रेसिपी, वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल। गाइस आप एक बार इस तरीके से बना के देखना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही कम सामान में बनके तैयार हो जाता है। चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कविता, स्वागत है आपके अपने चैनल कविताज किचन में। शाही मसाला चाट बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सरसों का तेल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। गाइस तेल गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें डाल देंगे लहसुन, अदरक, साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्च और इसे अच्छे से मिलाते हुए पकाएंगे। अब हम डाल देंगे प्याज और प्याज को भी अच्छे से पकाएंगे। गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास ऐसी इजी और टेस्टी रेसिपीज की वीडियो पहुंचती रहे। हमारा प्याज अच्छे से भुन चुका था, इसलिए अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और टमाटर को भी अच्छे से पकाएंगे ढक के 5 मिनट तक। देखिए गाइस हमारा मसाला कितने अच्छे से पक चुका है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसे पीस के अच्छे से प्योरी बनाएंगे। अब हम चाप को फ्राई कर लेते हैं। चाप फ्राई करने के लिए भी गाइस में सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें चाप फ्राई करेंगे। देखिए गाइस मैंने चाप को कैसे छोटे टुकड़ों में काटा है, आपको भी ऐसे ही काटना है। आप एक बार इस तरीके से बना के देखना गाइस, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप चिकन खाना भूल जाएंगे और वेजिटेरियन के लिए तो चाप ही चिकन होता है। गाइस यहाँ पे हम चाप को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हम इसे नॉर्मल फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। गाइस अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास ऐसे इजी और टेस्टी रेसिपीज की वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। देखिए गाइस हमारे चांप फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे चांप को ज्यादा ब्राउन नहीं किया, आपको ऐसे ही फ्राई करना है। गाइस आप एक बार इस तरीके से बना के देखना, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने लिया है जीरा। जीरा अच्छे से चटक जाएगा, फिर हम इसमें डाल देंगे प्योरी जो हमने बना के रखी थी। देखिए गाइस कितना अच्छा कलर आ रहा है। आप अगर इस तरीके से सारे मसाले को भून के उसे पीसेंगे तो उससे जो ग्रेवी का कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। देखिए गाइस ग्रेवी हमारी पक चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे दही। यहाँ पे मैंने आधी कटोरी दही लिया है, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक और हल्दी। इसे हम अच्छे से भूनेंगे। अब हम मसाले को 15 मिनट तक अच्छे से ढक के पकाएंगे। देखिए गाइस हमारा मसाला कितने अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें वो चांप डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखा था। गाइस मैंने यहाँ पे आधी ग्लास पानी का यूज किया है, आप चाहें तो ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको ग्रेवी बनाना है। और इसे अब हम ढक के 5 से 10 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। देखिए गाइस कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया और इसे अच्छे से मिलाएंगे। देखिए गाइस हमारी चांप बनके हो गई है तैयार, देखने में भी कितना अच्छा कलर आ रहा है। गाइस देखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में भी अच्छा लगेगा, आप एक बार इस तरीके से बना के देखना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप भी इस तरीके से एक बार बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।